क्या नाम है बाबा आपका? चपरासी मंडल। क्या लगता है आपको, आज योगी आदित्यनाथ आए हैं उनको देखने आए हैं फिर समर्थन भी कर रहे हैं अशोक कुमार भगत का? नहीं, समर्थन कर रहे हैं अशोक भगत का। आइए इधर आ जाइए, थोड़ा कैमरा के पास आ जाइए, आप बोलिए। हाँ, समर्थन कर रहा अशोक भगत को कि पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करे, आदमी भगवान से ऊपर हो जाए। क्या लगता है आपको, इस बार झारखंड का माहौल जो चुनावी माहौल बन चुकी है, क्या लगता है आपको कि अशोक कुमार भगत यहाँ से लीड कर जाएंगे? हाँ, ये लीड करेंगे। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, दूसरे पार्टी पे कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि उससे अधिक है इसका पार्टी, धरती पर जो है किया वही काम, गरीबों की चावल मिलता है, वृद्धा पेंशन कर दिया, इस सब को तो हम लोगों का वो क्या किया है, कांग्रेस क्या किया है, हम लोगों को कौन चसा है? ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में आप लोगों को क्या विचार है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी को रोजगार दीजिए और कुछ क्या कहेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, सो गरीब को देखेगा तब सरकार भी देखते रहेगा सब भी। सुनने में आ रहा था कि बेरोजगारी सिर्फ भाजपा के ही सरकार में बढ़ती है या फिर कांग्रेस की सरकार में भी बढ़ी थी? नहीं, मोदी सरकार की नीति में बढ़ी थी, उस समय नहीं इतना बड़ा था, जानते हैं ना। और आजिए बाबा आगे, क्या नाम है आपका? अर्जुन। कहाँ से हैं? तेतरिया से, गजंडा पंचायत से। क्या लगता है आपको, इस बार अशोक कुमार भगत कुमार बढ़िया से जीतेगा, इसको कोई हरा नहीं सकता? योगी आदित्यनाथ को देखने आए हैं? हाँ सर, समर्थन भी कर रहे हैं अशोक कुमार भगत भी कर रहे हैं, अशोक भगत को भी समर्थन कर रहे हैं, योगी को भी समर्थन कर रहे हैं, मोदी को भी समर्थन कर रहे हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं? इसलिए कि हम गरीबों का उनसे फायदा हुआ है, जो हमको फायदा देगा उनका समर्थन हम हमेशा करते रहेंगे। सिंचाई योजना मिल गई आपको? सिंचाई नहीं, चापाकल मिला है, सिंचाई योजना भी चल रहा है, गैस दिया है, शौचालय भी दिया है, इंदिरा आवास दिया है। इंदिरा आवास आपके इधर मिल गया? हाँ। आपको मिला है? हाँ, हमको भी मिला है। आपके गांव में स्कूल तो होंगे? हाँ, स्कूल। पढ़ाई होती है वहाँ पे? पढ़ाई होती है, जब आदमी सब जोर करता है तब पढ़ाई होता है। आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? आवाज भी उठाते हैं तो कहता है कि तुम लोग काहे चिल्लाते हो, हम लोग काम कर रहे हैं, यही बात करते हैं। पढ़ाई कम होता है, जैसे होना चाहिए वैसा नहीं होता है। बच्चे जाते हैं पढ़ने? हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, खाना बनाने के लिए जाते हैं, वो थपड़ी बजाता है, वहाँ मास्टर सब झुमरा कहता है, रोज देखते हैं, हमारे घर के बगल में स्कूल है। आप लोग विधायक जी से बात नहीं किए इसके बारे में? भी बात किए हैं, विधायक जब उनका देखता है आगमन होता है तो ये लोग बढ़िया से ड्यूटी करने लगता है, क्योंकि झारखंड का जो चार से पांच मेन मुद्दे होते हैं, पहला पढ़ाई होती है, दूसरा रोड होती है, तीसरा सिंचाई होती है, और चौथा इंदिरा आवास होती है, और पांचवा किसान के हक में मदद करना। हम लोगों आपको इन पांचों में से क्या क्या मिल चुकी है अभी तक? हम लोगों को सब कुछ मिल चुका है, रोड भी मिल चुका है, लेटरिन रूम भी मिल चुका है, कनेक्शन गैस भी मिल चुका है, सब चीज मिल चुका है। बिजली कितना देर मिलती है झारखंड में आपके? बिजली यहाँ कम से कम हम लोगों को 15-20 घंटा जरूर मिलता है। 15-20 घंटा मिलती है? कभी कभी फेल होता है, 2-4 दिन फेल हो जाता है, ये भी होता है। सही कहीं ना, जो सही है वही बोलेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। कहाँ से आए? मैनाचक, मानगढ़ पंचायत। क्या कहना चाहते हैं अशोक कुमार भगत के बारे में? ये तो प्रत्याशी जुझारू हैं, ठीक हैं, काम जो है ठीक करते हैं, मगर जो है शिक्षा और सिंचाई दो व्यवस्था जो है इनका जो है ठीक नहीं है झारखंड भर में। आपके गांव इधर भी शिक्षा नहीं पहुंच पाई है? शिक्षा पहुंची है, लेकिन उसका जो शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, उसका तेजी स्तर नहीं चल रहा है, यही ना कहना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। टीचर है? जो टीचर है, 5 टीचर है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है, 250 विद्यार्थी है, लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं। उसको जो है जोक करके खाली टेक करके रखा है, कोई जो बच्चा एक्सीडेंट ना कर जाए, खतरा ना हो जाए, ऐसा सब व्यवस्था है हमारे गांव में। व्यवस्था जो है शिक्षा और सिंचाई दो चीज़ जो है इसका। आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया कि नहीं अभी तक? आयुष्मान कार्ड तो बन गया है, लेकिन जो है लाभ अभी तक हम नहीं उठा पाए। गैस चूल्हा जो है लाल कार्ड है, लेकिन गैस चूल्हा अभी नहीं मिला है। शौचालय मिल पाई है आपको? मिला है। शौचालय मिला है?
और ये घर का जो पैसा मिलता है वो मिला है आपको? इंदिरा आवास नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं मिला। आप लोगों ने बात नहीं की आगे? बात किए है, कहा कि आएगा। फॉर्म भरे? फॉर्म भी भराया है, मुखिया द्वारा भराया है। तब तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि सरकार का जो काम होती है बहुत ही धीरे धीरे से होती है। आपको भी जरूर, सबको इंदिरा आवास अगर मिल रहा है तो आपको भी जरूर मिलेगा। आइएगा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है, महरमा प्रखंड सिमानपुर गाँव से है। क्या कहना चाहते हैं? अशोक कुमार भगत के आज रैली में आए हैं, योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रह रहे हैं अभी फिलहाल में, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि अशोक भगत की पूरी बहुमत से जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आदित्य योगी नाथ आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इससे और विधायक जी का प्रचार होगा और इसका फुल्ली जीत है, इसमें कोई शक नहीं। मुद्दा पे कह रहे हैं कि किस मुद्दा पे कह रहे हैं कि अशोक कुमार भगत जीत रहे हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस से भी राहुल गांधी यहाँ पे रैली कर चुके हैं, वो भी कहीं लोकसभा या फिर विधानसभा के कमजोर नेता नहीं है। देखिए, हम विकास के मुद्दा पे बोल सकते हैं कि यहाँ से माननीय विधायक अशोक कुमार जी जीतेंगे। हम नेता में एक ही खासियत देखना चाहते हैं जो कि बीजेपी पार्टी में है, जो कि कहा गया है रघुकुल रीत समाधान आता और पराने जाए पर बचन नहीं जाता। एक बीजेपी पार्टी में ही ऐसा गुण है जो कि जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आज एक गरीब को क्या चाहिए? एक गरीब को आवास चाहिए जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलता है, और एक गरीब को उस घर में बिजली चाहिए जो उजाला योजना से मिलता है, और एक गरीब को उस घर में शौचालय चाहिए जो निर्माण भारत योजना से मिलता है, और एक गरीब को उस घर में गैस सिलेंडर चाहिए जो कि उज्ज्वला योजना से मिलता है, और एक गरीब को उस घर में एक अकाउंट चाहिए जो कि भारत जनधन योजना से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक परिवार में जो कि मतलब कि इलाज के लिए 5 लाख के लिए एक बीमा होता है, और क्या चाहिए गरीब को? सबसे आयुष्मान कार्ड मिल गई है। हाँ, शौचालय भी मिल गई अब। हाँ, सब चीज मिल गई है हमको। देखिए, जो चीज के लिए हम योग हैं ऐसा चीज मिला है। हम प्रधानमंत्री आवास लेने योग नहीं है तो हमें नहीं मिला है। जो चीज के लिए हम योग हैं वो चीज हमें मिला है। हमें पक्का की मकान पहले से है तो हमें क्यों चाहिए? प्रधानमंत्री आवास नहीं चाहिए। आपने एक लाइन बहुत ही बढ़िया बोली कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर बचन नहीं जाए। बचन न जाए। हाँ, मतलब जान चले जाएगी पर मेरा बचन नहीं जाएगा। तो बीजेपी में ही ऐसा गुण है जो कि बोलता है वो करके दिखाता है। जैसे कि 370 धारा 370 35 ए राम मंदिर जितना भी चीज है सारा बीजेपी करके दिखाया। पहले वादा किया और करके आज दिखाया। और ऐसा कोई भी पार्टी है, पहले हमको कोई भी काम दिखाइए आप जो कि पहले हुआ था, आप दिखाइए। आपके इधर जो रोड रोड झारखंड में बन रही है, क्या आपके इधर भी पूरा फुल रोड बन चुकी है? पहले के तुलना में बहुत ज्यादा रोड बना है। अभी PWD के अंतर्गत हमारे माननीय विधायक जी हर जगह 2 लाइन जोड़ दी है। PGC का भी काम हुआ, RCC का भी काम हुआ है। पहले इतना काम कहीं नहीं हुआ था, पूरा कादा था। तो ये सब बात हुई आपके इधर के। और कुछ कहना चाहते हैं अशोक कुमार भगत के बारे में? और कहना चाहते हैं हम सभी जनता से कि आप राष्ट्र के हित में वोट डालिए और बीजेपी को कमल छाप पर बटन दबाकर अशोक कुमार को भारी मतों से विजयी बनाइए, और आपके मतलब कि विधानसभा में विकास फिर से पुनः होगा। जो भी छूटा हुआ है वो विकास और होगा। आइए बाबा, आगे आइए। क्या नाम है आपका? पटवारी राजा। कहाँ से आए हैं? कुमटिया से। क्या लगता है आपको अशोक कुमार भगत के बारे में? सर ठीक है, हमारा इंदिरा आवास ना मिला है। और सब विकास पहुंच चुकी है? हाँ, विकास सड़क है, शौचालय दिया है, अभी इंदिरा आवास ना देता है। किसानों के लिए फायदा है या फिर घाटा है? किसानों का फायदा है, पानी अभी न जुटा है। सिंचाई योजना नहीं मिली है? ना अभी। आप लोगों ने आगे फॉर्म नहीं भरा या फिर योजना नहीं उठाया? भरा तो नाम क्लियर नहीं करता है, इजाजा नहीं करेगा। हमारा गाँव घूस भी मांगता है क्या? हाँ, घूस भी मांगता है क्या? हाँ सब चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थोड़े देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे, फिर से हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।